तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो राम राम जी, आज हमारे सामने है मारुति सुजुकी जिमनी फाइव डोर का जीटा वेरिएंट। सबसे ज़्यादा VFM वेरिएंट है मेरे हिसाब से, और पर्सनली मैंने बुक भी करा रखा है। पहले ना मैंने वाइट कलर इसमें बुक करा रखा था, बट अब मैंने वो चेंज करा के ब्लैक कराया है। बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है, नो डाउट 10 out of 10 ब्लैक कलर में जाते हैं। और पर्सनली जीटा जो वेरिएंट है ना, मतलब अल्फा वेरिएंट में आपने अलॉय व्हील्स देखे होंगे, बट जीटा वेरिएंट में ये स्टील रिम्स दिए हैं। अब ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ में बोलूँ तो स्टील रिम में मेरे हिसाब से ज़्यादा आती हैं भाई। इस गाड़ी को जितनी बार भी देखो ना उतनी बार, कैसी है हल्का है ना, काफ़ी ज़्यादा, मतलब यार पूरी एकदम ना ब्लैक, वो स्लीक जो एक डिज़ाइन आ रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है इसका। देखो इसमें ना कुछ फीचर्स मिसिंग है, जैसे कि आपको इसमें की नहीं मिलती ऑटो स्टार्ट सब, बट वो मेरे हिसाब से इतने वर्थ चीज़ें नहीं है, 2-3 उसमें होगा। बट हमें मेन क्या देखना है, वैल्यू फॉर मनी। और अगर इसके अलॉय व्हील्स में चेंज भी ना कराऊँ ना, बस इसमें थोड़े बहुत अगर मैं टायर्स वाइड करा लूँ या वो करा लूँ, उसी से इस गाड़ी के जो लुक्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेंगे। यहाँ से देखो आपको ना पूरा एक अंदाज़ा पड़ रहा होगा कैसी गाड़ी। पीछे आपके फ्रॉन्क्स भी खड़ी है, इधर आपके इग्निस भी खड़ी है। हाइट वाइट का कंपैरिजन अगर मैं बताऊं, इधर से आप देख सकते हो, कई लोगों को लगता है कि ये गाड़ी ना ऊंची नहीं है, छोटी है, ये है वो है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो, ये खड़ी इग्निस इसके बगल में, ये खड़ी अपनी जिमनी जेटा, कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। फ्रंट प्रोफाइल भी ना देखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अच्छा, एक एक करके मैं आपको इसके मॉडल्स के बारे में बता देता हूँ, मतलब इसमें फीचर्स बता देता हूँ क्या कुछ हैं। देखिए नीचे जो है ना, आपको यहाँ पे इसमें फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, कंपनी की तरफ से नहीं आ रहे, इसमें एसेसरीज का पार्ट होगा। हेलोजन इसमें आपको यहाँ पे बल्ब मिलेगा। टॉप मॉडल में जो है आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिलते हैं। साइड में इंडिकेटर सेम है, ग्रिल आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। एसेसरीज इसमें अभी बहुत कम लगी हैं। ये जो कलर आपको दिख रहा है, दिस इज़ ब्लूइश ब्लैक या ब्लैक, देखो मैं कंफर्म नहीं बता सकता, इसमें ब्लूइश टोन भी दिख रही है। एक सुपर ब्लैक भी आता है पूरा, और ये ब्लूइश ब्लैक है। मनीष भाई, ब्लूइश ब्लैक है, ये ब्लूइश ब्लैक है, एक ही ऑप्शन है, एक ब्लैक नहीं आता प्योर ब्लैक। अच्छा, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। सो इस एक ही ऑप्शन मिलता है आपको ब्लूइश ब्लैक, हालांकि ये देखने में ब्लैक लग रहा है। ब्लू इसमें टोन मेरे को तो देखो यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊँ लाइट में भी लेके जाऊँ तो यहाँ पे टोन हल्का दिख रही है तेरे को, टोन ब्लू की आ रही है हल्की सी। अच्छा मेरे को नहीं आई, बट लग रहा ब्लैक ही है ना, रॉयल ब्लू का डार्क है, उसमें कुछ काला मिला देना। हाँ, बट सही है ना, एनी टाइम वाइट या ब्लैक, ब्लैक अच्छी। कौन सी, वाइट या ब्लैक? ब्लैक भाई। अब मैं आपको बता देता हूँ फटाफट, क्योंकि ना यार वो बात है कि वीडियोस बनाना इतना भी वो नहीं कर रखा, कंपनी के होते हैं कुछ डेकोरम क्राइटेरिया जो भी होते हैं। टायर्स बता देता हूँ आपको, इसमें मिलते हैं 195/80 R15 के आपको टायर्स मिलते हैं। रिम जो है ना, रिम मेरे हिसाब से ज़्यादा सही लग रहे हैं। साइड में आपको यहाँ पे फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाता है, उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको क्लैडिंग मिल जाती है। क्लैडिंग के बाद में बात करूँ, फ्रंट में हेलोजन मिल जाएगा, नीचे आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे लेके चलूँ मैं, इधर आप लोग देख सकते हो ऑल ब्लैक जो है गाड़ी दी गई है। इधर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसमें जो है पियानो ब्लैक वाले फोल्डिंग मिरर्स नहीं मिलते, वहाँ पे टॉप एंड वेरिएंट खड़ा है हो रहा, उसमें पियानो ब्लैक मिलता है। बॉडी कलर यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स नहीं मिलेंगे, हालांकि ये गाड़ी ऑलरेडी ब्लैक है, तो इस करके आप लोगों को यहाँ पे ही ब्लैक ही मिल रहा है, तो वो बॉडी कलर वाला ही सीन आ रहा है। अगर ये टॉप मॉडल होता तो इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे पियानो ब्लैक का फिनिश मिल जाता। पियानो ब्लैक देखो उसमें दिख रहा है आपको, बॉडी कलर मिल जाता है, तो वो चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे अगर मैं पीछे की तरफ लेके चलूँ, इधर से आप लोग पीछे अंदाजा लगा सकते हो, नेक्सा की बैजिंग मिल जाती है। इधर जो है आप लोगों को यहाँ पे स्टेपनी कवर मिल जाता है, जीटा वेरिएंट में भी। जीटा में आप लोगों को पीछे वो भी मिला है, अपने रियर वाइपर भी मिला है। कई लोग कन्फ्यूजन था रियर वाइपर आएगा कि नहीं आएगा, रियर वाइपर भी आएगा, रियर वॉशर भी आएगा, साथ ही साथ यहाँ पे जो है डिफॉगर भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ऑल ग्रिप पीछे लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टर्स देख सकते हैं, पीछे रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। इधर से भी गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है देखने में, यार क्या ज़बरदस्त लुक्स आ रहे हैं, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इधर एक बार अंदर लेके चलूँ फटाफट आपको दिखा दूँ, तो यहाँ से हम लोग जो है इसको ऐसे अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ से अपनी ये अनलॉक होगी। अनलॉक करने के बाद जो है इसमें आपको यूवी टिंट नहीं मिलते, यहाँ पे देखो हल्का खड़ी है, सेम इधर से ऐसे भी दिख रही है और ऐसे भी आपको दिख रही है, तो यूवी टिंट इसमें नहीं आता है। यूवी टिंट वो आपको दे रखें। हाँ, ये जो है सिंगल एक टोन है, ये ड्यूल टोन में नहीं है, वो भी सिंगल टोन ही है, ड्यूल टोन में नहीं है। इंटीरियर में दिखाऊं आप लोगों को, तो यहाँ पे दिस इज द अपना मैनुअल वेरिएंट। लाइट एक बार जला देते हैं, मैनुअल वेरिएंट हमें दिख रहा होगा, 1, 2, 3, 4, 5 गियर्स आपको मिल जाते हैं देखने को। यहाँ से जो है गियर थोड़े से आप लोगों को जो है हार्ड मिलेंगे, बट देन फिर ये चीज़ है कि गाड़ी जो है अभी स्टैंडिंग पोजिशन में, इसलिए हार्ड वो है। स्टेयरिंग पर बताऊँ, क्रूज कंट्रोल एबसेंट है। वैसे देखो थार में क्रूज आता है, अल्फा वेरियंट में भी आता है, यहाँ पर जो आपको क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्फो और ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बीच में जो मीटर है वो सेम ही आपको देखने को मिलेगा। ये जो अपने एसी वेंट्स हैं, ऑब्वियसली बात आप चेंज करा सकते हो, तो एसी वेंट्स में जो है आप लोगों को अपना जो एक
सिल्वर टोन का काम है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्रोम यहाँ पे मिसिंग है, क्रोम देखने को नहीं मिल रहा है। स्पेस काफी नेग्लिजिबल है, यहाँ पे स्पेस नहीं मिलती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट चारों पावर विंडोज हैं ऑलरेडी आपको गाड़ी में देखने को मिलेंगे। पावर विंडोज जो है ना इसकी यहाँ पे ये बीच में दी गई है, ठीक है। ये यहाँ पे दो पीछे हैं और पीछे की तरफ भी लेके चलूंगा तो दरवाजे पे जो पावर विंडोज नहीं मिलती आप लोगों को। इस गाड़ी का जो डोर थर्ड है ना काफी ज्यादा हैवी है, मतलब अच्छा खासा डोर थर्ड जो है इसमें आपको देखने को मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे रियर वाइपर के सारे लीवर्स और गियर देखने को मिल जाएंगे। बीच में जो है मैं दिखाऊँ आपको, बीच में जो है इसमें आपको ऑटोमेटिक एसी देखने को नहीं मिलेगा, मैनुअल एसी जो है बीच में दिया गया। अगेन बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि इसकी प्लेसमेंट कुछ इस हिसाब से कर रखी है तो ये चीज बुरी नहीं लग रही है। हैजार्ड लाइट्स यहाँ पे आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड जो है गाड़ी की 180 किलोमीटर पर आर की दी गई है इसमें और 8000 आरपीएम दिया गया है इस गाड़ी में। 1500 सीसी का इंजन आ जाता है। यहाँ से आपको दिख रही होगी बेसिकली इसमें जो आपको 7 इंच की स्क्रीन देखने को मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट 6 एयरबैग इसमें भी देखने को मिलेंगे। SRS एक एयरबैग ये रहा, इधर भी मिल जाते हैं, सीट्स में मिल जाते हैं, यहाँ पे भी SRS एयरबैग। 6 एयरबैग के साथ ही गाड़ी जो लैस आती है, लैस यानी कि इक्विप्ड आती है, काफी ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ से आप लोग जो ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये हिल डिसेंट आप कर सकते हैं, उसी के साथ ट्रैक्शन ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंटी पिंच कर सकते हैं, ऑटोमेटिक, मतलब कई सारे फीचर्स जो है इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। 4x4 फ्रॉम द जीटा वेरियंट ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 हाई 4 हाई 4 L जैसी चीजें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है ऑलरेडी। स्पेस एम्पल अमाउंट ऑफ दिया गया है। उसी के साथ साथ अगर एक बार मैं पीछे की तरफ भी लेके चलूं आपको, यहां से पीछे का दिखा देता हूं फटाफट, तो पीछे में आपको क्या मिल जाता है, पीछे में यहां पे आपको इधर जो है पावर विंडोज का स्विच इधर मिल जाएगा देखने को। उसी के साथ साथ स्पेस की मैं बात करूं तो स्पेस भी जो है हमारी अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बीच में जो है बोतल होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से अगर मैं गाड़ी का पूरा एक अंदाजा दिखाऊं कि पीछे से कोई बंदा बैठ के देखता है तो उसको गाड़ी का फ्रंट कैसा दिखेगा, तो उसको गाड़ी का जो फ्रंट है वो कुछ इस प्रकार देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। तो नो डाउट मेरे हिसाब से मेरे जैसे बंदे के लिए भी हाइट जो है गाड़ी की काफी ज्यादा सही दी गई है। ऑल इन वन ये है कि इस गाड़ी में पूरा हमारा जो इंटीरियर है वो ब्लैक कलर के आते हैं, तो वो चीज़ नहीं है कि आपको ड्यूल टोन वाले इंटीरियर मिलेंगे। मार्केट मॉडिफिकेशंस आप जी भर के इस गाड़ी में करवा सकते हो, काफी ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे देख सकते हो भाई एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है। और इंसुलेशन की अगर मैं बात करूँ गाड़ी में तो भारी लोग बातचीत कर रहे हैं उनकी आवाज जो है खास मुझे यहाँ तक आ नहीं रही है, तो ये चीज भी जो है मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगी। और इधर से आप लोग देख सकते हो क्या जबरदस्त जो मारुति सुजुकी जिम्नी फाइव डोर है आप लोगों को देखने को मिल जाती है। यहाँ से देख सकते हो बीच में जो है आप लोगों को इधर अपनी बेल्ट सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाता है। पीछे की तरफ मैं बूट स्पेस दिखाऊं, चूंकि यहां से मैं पीछे से एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को, इधर ये लाइट मिल जाती है। यार रिव्यू थोड़ा सा जल्दी करना पड़ रहा है बिकॉज बस वो आप लोग लगा लीजिए, यहां से इधर हो गया बस। ये देख सकते हो पीछे जो है आप लोगों को इधर अपना यहाँ पे रियर व्हील मिल जाता है, स्पेयर व्हील जिसको बोलते हैं। जीटा वेरिएंट से ही स्पेयर व्हील में भी आप लोगों को अपना जो कवर है वो देखने को मिलेगा। जिमनी की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पे और नीचे जो है आप लोगों को अपने रियर रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। बूट स्पेस की बात करूँ, जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको हाइड्रोलिक जो है वर्क करने लग जाएगा, पीछे जो है लाइट देखने को मिल जाती है। अगेन थर्ड साउंड गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आई है। देखिए मेरे से पूछा जाए ऑल इन वन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गाड़ी है, ले लो भाई। इनकेस अगर आपने बुकिंग करा रखी है तो करा ली, नहीं मतलब ले लीजिएगा, नहीं कराइए तो फटाफट करा लीजिएगा, बिकॉज इस गाड़ी की जो डिमांड है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आने वाली है। वो खड़ा व्हाइट वाला वेरियंट एंड ये खड़ा ब्लैक, व्हाइट पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दी है, बाकी ये रहा आपका ब्लैक वाला वेरियंट। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन जरूर लिख के बताना भाई। मेरे हिसाब से VFM मतलब देखिए 95,000 में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट ये जो ब्लैक वाला पूरा एक फील है ना ये काफी ज्यादा अमेजिंग आ रहा है देखने में। तो भाई अगेन बहुत ही ज्यादा उम्दा गाड़ी है, बहुत ज्यादा बढ़िया गाड़ी है। मेरे से पूछा जाए तो भाई मैं तो इसको 10 out of 10 दूंगा। रीजन बीइंग कलर भी अच्छा है और अलॉय व्हील्स भी अच्छे हैं और जो एक ऑफ रोडिंग व्हीकल में कैपेबिलिटीज होनी चाहिए वो सारी की सारी इसमें दी गई है, तो भाई मजा आ गया। फोटो खींच देखिए।